लगातार आपको पूजा परिक्रमा के दौरान महानगर के विभिन्न पूजा पंडालों के दर्शन करवा रहा है। फिलहाल हम पहुंचे हैं उल्टा डांगा कौर बगान दुर्गोत्सव कमेटी के पास, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे पिछले जमाने में गुप्त धन कैसे रखा जाता था, उसको उस थीम पर इस पूरे मंडप को तैयार किया गया। हालांकि इस थीम का मतलब यह नहीं है कि यह बताने की कोशिश नहीं की गई है कि पहले किस तरह से गुप्त धन रखा जाता था। इस कोरोना काल में जो लोग भी पूजा मंडप देखने के लिए आ रहे हैं तो उनको एक खुशी देने का प्रयास किया गया है, जिसे यहाँ के जो पूजा कमेटी के लोग हैं वह उसे गुप्त धन मान रहे हैं। उल्टा डांगा कौर बगान का जो थीम है वो है गुप्त धन, और इस थीम के बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे पूजा कमेटी के सदस्य से और जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने गुप्त धन से इस पूजा मंडप को क्यों तैयार किया है। उत्सव दिन जान आनंद है निरानंद ना थे से आनंद उत्सव जो आनंद जो इमेज जो मानुषर का आशा जो हमें आगे बच्चों भलो पैंडल दर्शन कर भलो पैंडल दर्शन करब आगे बचर एक भलो मातृप्रतिमा दर्शन कर बचर एक मातृप्रतिमा भलो दर्शन करब ये मानुषर आशाटा ये मूल्यवान सम्पत्ता ये हमें गुप्तधन इंडिकेट करते चेहरी तरह ही सन्धान मिले करबागान सार्वजनीन दुर्गोत्सव पुजो कमेटी। माँ दुर्गा की प्रतिमा जो कि हमारे पीछे है आप देख सकते हैं काफी सुंदर है, और इस कोरोना काल में जो भी यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहा है उसका यही कहना है माँ दुर्गा से जल्दी इस कोरोना को खत्म करें और लोगों को एक नई उम्मीद दें। पूजा मंडप को तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया ही गया है, लेकिन इस पूजा पंडाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर कांच लगा हुआ है। जब कोई भी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करेगा तो इस कांच के पास आकर एक बार खुद को जरूर देखने की कोशिश करेगा। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ मैं सिंकी सिंह सनमार्ग कोलकाता।